हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें टू जीरोस गिवन है, अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3, और हमें इसमें अदर जीरोस फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है जीरोज़ का मीनिंग क्या होता है। जीरोज़ का मीनिंग होता है अंडर रूट 5/3, और जो माइनस अंडर रूट 5/3 जो हमें गिवन है उसका मीनिंग है कि ये है एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 5/3। हमें पता है एक्स प्लस का है इधर आएगा तो माइनस अंडर 5/3 इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा, और यहाँ माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब ये है x माइनस 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 कंप्लीट का अंडर रूट है इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी हमारे पास बन गया a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि x स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वेयर। ये बन गया हमारा x स्क्वेयर माइनस 5/3। अब इसका हमने इस एलसीएम ले लेना है, 3 एलसीएम आ गया, ये बन गया 3x² - 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वल्स टू ज़ीरो हमने लेते रहना है साइड में, 3x² - 5 इक्वल्स टू डिवाइड का 3 या इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का 3 बन जाएगा, ये बन गया 3x² - 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये क्या बन गया, ये हमारे लिए क्या बन गया है, डिवीज़र बन गया। डिवाइज़र हमें पता है डिवाइज़र डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ जो हमें गिवन है, गिवन क्या है एक्सप्रेशन हमारे पास, 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5। इसको हमने डिवाइड करना है 3x² - 5 से। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, यहाँ स्क्वेयर है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ स्क्वेयर है और 3 कॉमन है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, x स्क्वेयर चाहिए। जब हम x स्क्वेयर के साथ में 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे वो 3x⁴ बन जाएगा, और माइनस 5 से x स्क्वेयर करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 5x² माइनस प्लस ये बन गया 0। ऊपर से नीचे हमारे पास 6x³ प्लस और माइनस होता है, माइनस 5 में से 2 गए प्लस के 3x² - 10x - 5। अब हमने वैल्यूज़ को फिर से कंपेयर किया, यहाँ स्क्वेयर है, यहाँ पे क्यूब है यानी कि एक x चाहिए, और यहाँ 3 है, यहाँ 6 है यानी कि 2 चाहिए। 2 × 3 becomes 6 एंड x × x² becomes x³, यानी कि 6x³ माइनस इंटू प्लस माइनस 5 × 10x माइनस प्लस ये बचा हमारे पास 3x² - 5, और इसको अगर हम 1 से करेंगे तो 3x² - 5 आ जाएगा, रिमाइंडर रह गया हमारा 0। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर जो है वो है हमारा 3x² - 5, और जो अंदर का हमारा कोशेंट आया वो आया x² + 2x + 1 और रिमाइंडर आया हमारा 0। इसके हमारे जीरोज ऑलरेडी गिवन है तो इसके फैक्टर्स निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसके हमें निकालने पड़ेंगे x² + 2x + 1 जो है उसको हमने ब्रोकन कर देना है, उसके फैक्टर्स बना देने हैं, ये बन जाएंगे 2x है, यानी कि ऐसी टर्म्स जिनको प्लस माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो वो क्या हो सकती हैं 1x + 1x + 1, ये बन गया हमारा 3x² - 5 एंड x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x + 1, यहाँ पे 1 कॉमन रह गया, यहाँ रह गया x + 1, 3x² - 5 x + 1 एंड x + 1। इसके ऑलरेडी पता है हमें जीरोस क्या हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि x + 1 इक्वल्स टू 0 एंड x + 1 इक्वल्स टू 0, और ये बन गया x = -1 एंड x = -1, यानी कि अदर जीरोस जो आ रही हैं हमारे पास क्या आ रही हैं, -1 एंड -1, तो आंसर होगा हमारा -1, -1।